गुड मॉर्निंग। सैटरडे की हो गई है मॉर्निंग और अभी सुबह भी हो गई है। हम अभी बन रहे हैं सुबह के 7:30। आपको दिखाते बाद में। ये देखिए सुबह। अजान को भी सबको गुड मॉर्निंग बोलना था। ओके। सो आज सुबह मॉर्निंग में भी सेम नाश्ता है जो हमारा कल था। इडली की बैटर बची हुई है, स्टफिंग भी बची हुई है, तो मैं इडली बना रही हूँ और अजान के लिए ऑमलेट। प्लस हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी आ गए हैं, समीक्षा जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बट अभी वो शायद सोए होंगे क्योंकि उन्हें आने में बहुत देर हो गई थी, तो मैं उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पर आपको बेसिक सामान शॉपिंग के लिए मिल जाएंगे जो आपको कैंपिंग में चाहिए, गेम से लेके कैंप फायर जलाने के लिए जो भी चाहिए, और कैंडीज, कॉफ़ी, बेसिक ग्रोसरी, कपड़े, जो भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कैंपिंग के लिए वो सब आपको मिल जाएंगे। और अभी यहाँ पर डिस्काउंट्स भी चल रहे थे बिकॉज सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है, ये ठंड में बंद हो जाती है और फिर समर में खुलती है, तो ये देखिए अब सारी सेल है। मुझे कैंडीज़ चाहिए थे क्योंकि हैलोवीन का ट्रिक और ट्रीट होने वाला था शाम को, जहाँ हमारे केबिन में सब बच्चे आने वाले थे, और तो मैंने सोचा थोड़ा कैंडीज़ ले लेते हैं। हाँ उनका लंच टाइम एक $25 $20 एक अभी $15 में मिल रहा है। सीरियसली थैंक यू, मिल जाएगा ग्रुप में ले लिए, बल्क में ले लिए, लगा दिए। हेलो, हम आ गए हैं प्ले एरिया से वापस सभी और करेंगे लंच। लंच के बाद फिर जाएंगे, कुछ इवेंट्स है वो अटेंड करने जाएंगे, तो देखते आगे क्या क्या करते हैं। फिलहाल खाना है लंच। लंच में क्या खा रहे हैं? सारा जो लेके आए थे बना बनाया बिरयानी है। ये देखिए फरहान मेरा बिरयानी ला के दे रहे हैं, रेडी खाइए। बिरयानी के बाद आइसक्रीम तो बनता ही है। अजान अपना पॉपसिकल खा रहा है, फरहान अपना वनीला आइसक्रीम खा रहे हैं विद क्रोसेंट, और मैं खा रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। उधर ओ टेबल पकड़, सब सामान रखे। अजान कम Farhan is decorating his pumpkin and Azhan is decorating his pumpkin. This is my pumpkin. Oh, so neat. Okay, now that doesn't work. Hi. Hi. You Brooklyn. Your mom's in charge. Oh, I had no idea. Well, you were at kind of acting, but it doesn't stop. It will. It should. That's not all. Oh my God. You're a champion, eh? सो हैलोवीन सीज़न में आपको ये पम्पकिन डेकोरेशन एक ट्रेडिशन होता है, और यहाँ पर कैंप साइट में उन्होंने पम्पकिन भी प्रोवाइड किया था, पेंट भी। आप पेंट कीजिए और घर पे लेके जाइए, सजाइए। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर अलग अलग जगह में होते हैं। 4 बजे हमारा बिंगो गेम स्टार्ट हो गया था, ये था कैंडी बिंगो। अगर आप जीतते हैं तो आपको कैंडीज मिलता है। अजहान तो नहीं खेल रहा था क्योंकि उसको इसमें कोई मज़ा नहीं है, लेकिन हम बहुत खेल रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। Good
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है बिंगो का, इसे कहते हैं लूजर बिंगो, जहां आप सबको खड़ा होना है, वो जो नंबर कॉल आउट करेंगे अगर वो आपका आ गया तो यू आर आउट ऑफ दैट राउंड, और जो लास्ट में खड़ा रहता है जिसको कोई नंबर आती नहीं है जो वो अभी तक कॉल आउट की है वो जीत जाता है। हम कभी वैसे जीते तो नहीं है, लकीली फरहान और मैं इस बार दोनों ने जीता एक एक प्राइज जो हमने ऑब्वियसली अजहान के लिए लिया था। हमने देखा कि यहाँ पर कैंप फायर लगा हुआ है, सबसे बेस्ट चीज़ अभी जो है वो मन कर रहा था स्मोर्स खाने का, और मेरे पास लकीली सारे स्मोर्स के सामान मैं लेके आई थी। तो ये रहा मार्शमेलोज जो कि मैं अभी गर्म कर रही हूँ, अभी जो से हम ग्राम क्रैकर्स और हर्शले चॉकलेट के बीच में डाल के सैंडविच बना के खाने वाले हैं। और वहाँ पर आसपास जितने थे बच्चे वो भी आ गए खाने के लिए, और हमें शेयरिंग पसंद है तो हमने बहुत मज़ा किया। जैसे मैंने कहा हैलोवीन थीम है और यहाँ के लोगों को ड्रेसअप होना बहुत पसंद है, तो यहाँ वो हैलोवीन थीम में ड्रेसअप होके आए हुए थे। शाम के 6 बज रहे थे, अजान रेडी हो गया था अपने हेलिंग कॉस्ट्यूम यानी कि एज अ फायर फाइटर चीफ, और अभी हम हर कैंप जो कैंपर्स आए हुए थे उनके पास जाएंगे कैंडीज कलेक्ट करने, क्योंकि यही है ट्रिक एंड ट्रीटिंग, हम जाते हैं अलग अलग घर में। और ये देखिए मेरे पास भी बच्चे आए हुए थे और वो लोग कैंडी सिलेक्ट कर रहे थे, पता नहीं उनको ये वाली कैंडी बहुत पसंद आ रही थी, सब बहुत खुश हो रहे थे लेके। और देख सकते हैं बच्चे लोग कितने अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं। फिलहाल ये कैबिन एरिया में है, हम नीचे भी जाने वाले हैं जहाँ पर आरवीज एंड ट्रेलर्स है, सो लेट्स गो। It's like me, man. There's somebody in there. Do you want to give a hug to the mean man? Aww. Okay. So thank you, mean man. There you go. Then look at us. Minion is standing, see? Here's some treats for them. These are glow sticks. Oh, thank you. Yep, you're welcome. You high five! Yes. Can you high five? Fire, fire! Are you a princess? Yes, we're playing low. She'll let down her hair. Oh. I love it. Thank you. Abby, come on. Two. Let's go. Day 4 Sunday morning, और ये है हमारा ब्रेकफास्ट।
जी हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म, संडे का मॉर्निंग, आज है वापस जाने का दिन और ये मेरी हो रही है पैकिंग। आप देख सकते हैं कि देखिए किचन मैंने कितने अच्छे से साफ कर दिया है अभी, क्योंकि हमें ये साफ़ करके बाकी सारे जो बर्तन जिस जगह पे थे वो रख के जाना होता है। अब ये मेरी पैकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं सब तरफ बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी मुझे ये सारा पैकिंग करके कपड़े वपड़े सारे डालने के बाद, इस लिनन को ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको साइड कर देते हैं, वो आके चेंज करेंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो। तो अब बारी थी सामान सारा लोड करने का, मैंने पैकिंग ख़त्म कर दिया था तो फरहान वही कर रहे थे। तो क्योंकि हमारी पैकिंग ख़त्म हो गई थी, मैं दूसरे यूनिट चेक कर रही थी कि कैसा है, अलग है या सेम है। तो ये समीक्षा जो मेरी फ्रेंड है वो जहाँ रह रही थी, ये उनका यूनिट है और मैं बस आपको एक थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ क्विकली कि उनका यूनिट कैसा है। जैसे आप एंटर करते हैं अपने बेडरूम देखा, बाथरूम देखा, अब आप वॉक इन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे किचन है और यहाँ पर लिविंग रूम है और डाइनिंग एरिया है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो यहाँ पर एक एटिक एरिया है जहाँ बच्चे जाके सो भी सकते हैं, यहाँ सीढ़ी है। तो आज सारे ही कैंपर्स ऑलमोस्ट चेकआउट कर रहे थे और ये वाला जो था ये थोड़ा बड़ा था, ये लॉज टाइप का यूनिट था, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग बेडरूम्स हैं, बाथरूम हैं और यहाँ पर सीढ़ी जो ऊपर जाती है वहाँ पर आपको दो बड़े बेड्स भी मिल जाएंगे, किचन है। तो मैंने सोचा ये भी यूनिट आपको दिखा दूँ, मुझे भी मन करता है कि अलग अलग यूनिट कैसे है वो थोड़ा देखा जाए, अच्छा भी लगता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको बुकिंग करनी है, आपको बड़ा यूनिट चाहिए, वो भी आप बुक कर सकते हैं। हेलो जी हाँ, अभी हम पहुँचे हैं लेन्सबरो, हम निकल गए वहाँ से जो केबिन था वहाँ से निकल के यहाँ लेन्सबरो पहुँचे हैं। आपको यहाँ का अभी खूबसूरती दिखाती हूँ क्योंकि फॉल सीज़न बहुत ही खूबसूरत होता है। लेट मी शो यू द डिफरेंट कलर्स। ये देखिए पत्ते तो इसके आधे निकल ही चुके हैं, बट कैन यू स्पॉट, आई थिंक ये देखिए ये छोटा सा पार्क है, यहाँ पर कलर्स आपको दिख रहे होंगे, लाल पीला, बहुत ही खूबसूरत है। अभी सनी है तो यहाँ हम थोड़ा देर रुकेंगे, यहाँ छोटा सा सिटी हम घूमते हैं तो वो हम करने वाले हैं, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं, पार्क है एंड फिर हम जाएंगे। यहाँ के बाथरूम फैसिलिटी भी अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शावर के लिए भी जगह है और आपका रेस्टरूम है, यहाँ पर सिंक है, वो इसलिए है क्योंकि पास में ना साइकिलिंग के ऑप्शन है प्लस आपका ट्यूबिंग का ऑप्शन है। तो अब हम निकल गए सिटी घूमने के लिए, आप बस ये देखिए ये वॉक कितना खूबसूरत है, ये पेड़ कितने खूबसूरत है, मोहब्बते वाले पत्ते यहाँ गिरे हुए हैं जो हम मूवी में देखे थे हमेशा देखते हैं तो अच्छा ही लगता है देख के। तो ये छोटा सा शहर है, सारे लोकल शॉप्स यहाँ अवेलेबल है, कोई भी चेन या बड़ी शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ लोकल शॉप्स को प्रमोट करते हैं, इवन रेस्टोरेंट्स भी। तो हम आ गए पैडल पुशर्स, जो कि बहुत ही अच्छा खाना है इसका, हम लास्ट टाइम यहीं खाए थे बट हमारा वेटिंग था। और ये ऐसा वाला एक मशीन देते हैं, जब आपका नंबर आता है तो ये वाइब्रेट करता है, तो यानी आपका टर्न आ चुका है। तो 10 मिनट का वेटिंग था, तब तक हम थोड़ा शहर घूम लिए। तो हमारा नंबर आ गया था, हमने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, हम वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। सो अजहान का आया चिकन स्ट्रिप एंड फ्राइज, फरहान का राइस एंड स्टेक और मेरा था किनोवा क्रस्टेड श्रिम्प विथ राइस मैंगो एंड एप्पल। तो अभी है बाइकिंग सीजन, अब हम जब निकल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे बाइकर्स हमें दिखे। फिर हम पहुँचे हमारा फेवरेट आइसक्रीम स्टोर, जहाँ पर हमने ऑर्डर किया अपना आइसक्रीम। And one scoop Superman in a cup, please. घर जाने के रास्ते में हमें दिखा कुछ हैलोवीन डेकोरेशंस, तो हमने सोचा आपको भी दिखा दें ये कितना अच्छे से और खूबसूरती से इन्होंने सजाया है, डरावने से सजाया है। फिर जैसे ही आगे और थोड़ा ड्राइव किए और भी सारे डेकोरेशंस दिखे। सबसे इंटरेस्टिंग था ये जो अगला वाला घर था, ये वाला नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग है, पर इसके बाद वाला जो है, इनके यहाँ बेबी शावर भी हो रहा था, थीम हैलोवीन ही था, बट ये वो हर साल सजाती है एंड लुक एट द डेकोरेशंस, ऑल द स्केलेटन्स एज इफ मरने के बाद भी ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं इन द स्केलेटन फॉर्म। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कैप्चर करूँ।
प्लस इनका जो ट्रेडिशन होता है पम्पकिन डेकोरेशन का, ये आज अपने फैमिली के साथ कर रहे थे, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर बैठ के पम्पकिन डेकोरेशन में मज़ा कर रहे थे। ये एक छोटा सा शहर है पर डेकोरेशंस देखिए लाजवाब है, इतना मेहनत करते हैं लोग यहाँ पर हैलोवीन में भी कि बहुत ही अच्छा लगता है देख के। तो वहाँ से निकले तो हम पहुँचे पम्पकिन पैच में, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पम्पकिन मिल रहे थे, बहुत ही वैरायटी के पम्पकिन मिल रहे थे। अभी के टाइम में पम्पकिन बहुत ही फेमस है, हर टाइप अभी डेकोरेशन में यूज़ होता है, फिर थैंक्सगिविंग आती है तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पम्पकिन के आइटम बनते हैं, तो यहाँ पर जो पम्पकिन का प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं। सो ये डेयरी क्वीन है जो कि बहुत ही पुराना है और ये आइसक्रीम और फास्ट फूड के लिए फेमस है, इन्होंने ये पुराने स्ट्रक्चर को अभी भी ऐसे ही रखा है। तो आ गए हम घर, अब वापस से अनपैकिंग करना है और सारा सामान ठिकाने लगाना है, विच इज़ टायरिंग। तो ये था हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।